देख रहे हैं कि पीएनबी मजार शाखा गोला रोड में भी कतार में लोग लंबी कतार में लोग लगे हुए हैं। पुराने नोट 1,000 और 500 के जमे किए जा रहे हैं। पीएनबी में पैसे जमा करने के लिए आए हुए हैं, क्या किसी प्रकार की कोई परेशानियाँ तो क्या कहना चाहेंगे किसी प्रकार के यहाँ पर पीएनबी में आपको असुविधा भी हो रही है? कोई असुविधा नहीं, सब सही है। तो देख रहे हैं कि 1,000 और 500 के पुराने नोट जमा करने के लिए कतारबद्ध श्रम तमाम कंज्यूमर पीएनबी में खड़े हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो पाए बताएंगे। सभी नोट प्रॉपर ढंग से फॉर्म में लेकर के जमा रहे हैं, खाते में भी जमा रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा हम खाते से भुगतान नहीं कर सकते हैं, ये आदेश है। कम से कम 3 दिनों तक, 12-13 तक यही स्थिति है। इनका पैन नंबर खाते में है, वो कोई भी अपना रकम जमा कर सकते हैं, अपने दस्तखत से जमा करना होगा। बाकी के लिए हमारे पास कोई सुझाव नहीं है। लगभग एक्सचेंज जो है 100 से ऊपर आदमी एक्सचेंज कराए हैं और 300 से ज़्यादा आदमी अपने खाते में जमा कर चुके हैं। 100, 50, 20, 10 और 5 के नोट सिक्के हमारे पास उपलब्ध हैं। पुराने नोट हैं अभी उन्हों का हम भुगतान कर रहे हैं। रह गई बात एटीएम की, तो एटीएम का जो है ना कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कल से हमारा एटीएम भी चलेगा। तो सर कल से लगभग नए नोट उपलब्ध हो जाएंगे आपके पीएनबी? नहीं, नया नोट का अभी हम नहीं कर सकते हैं, प्रोसेस में है, पटना से आना है। सभी पीएनबी के ग्राहकों को आश्वासन देते हैं कि कोई असुविधा नहीं होगी, हर तरह का सहयोग करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। शाम के 7 बजे तक हमारे काउंटर खुले रहेंगे, जो ऑफिस से बाजार से शाम को भी आएंगे 7 बजे तक उनका काम बैंक में होगा। तो सुबह में कितने बजे सर बैंक खुली? सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक बैंक चलेगा। शनिवार रविवार बंदी के दिन भी बैंक खुले रहेंगे। दिनेश प्रसाद जी, आपके काउंटर खाली है जहाँ से पेमेंट लेना है? 10 बजे से लोग लगे हुए हैं। 10 बजे से नहीं, 10 बजे से खुला था, वो एक्सचेंज भी किए हैं, अभी कैश खत्म हो गया है, गए हैं समस्तीपुर मेन ब्रांच लाने गए, वो आ जाएंगे तो फिर होगा। कितने मैंने घंटों में लोगों की सेवा देने के लिए आप तत्पर रहेंगे? अभी विद इन 10-15 मिनट के अंदर आ रहे हैं। 10-15 मिनट के अंदर आ रहे हैं, 15-20 मिनट में आ रहे हैं। एक बात बताइएगा, जो मोटी रकम है जिनके घर में लगन है पर्व के, जो अभी लोग मारे हुए हैं पर्व में काफ़ी पैसे खर्च हुए और जिनके यहाँ 5-10 लाख की आवश्यकता है, तो वैसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा? 10,000 तक हम पेमेंट करवा रहे हैं वहाँ से लास्ट काउंटर से, वो जितने भी अमाउंट ला रहा है ना, हैवी अमाउंट भी हम जमा करवा रहे हैं। पुराना वाले जो जमा कर रहे हैं उनका एक्सचेंज कर रहे हैं 100 से 50 से 20 से 10 से। और नया का नोट में कितना का दे रहे हैं? नया जो नोट नया अभी हम लोग के पास है नहीं, अभी नहीं आया। कब तक उपलब्ध हो पाएंगे आपके पास? बोले हैं 1 दिन में आ जाएगा। विधि व्यवस्था तो एकदम बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बाजार शाखा में बिल्कुल लंबी कतार है और पुराने 1,000 और 500 के नोट जमे करने के लिए और नए नोट लेने के लिए भी कतार पर तमाम ग्राहक उपस्थित है। जगह पे है, कौन से ब्रांच में आप? ये समस्तीपुर का है, बाजार ब्रांच है, भारतीय स्टेट बैंक जी। क्या परेशानी हो रही है? नया नोट मिले आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। क्या बता रहे हैं मैनेजर? बता रहे हैं नया नोट तो मिल ही नहीं रहा कि नहीं। तो पुराने नोट जमा हो गए आपके? जमा नहीं, हम तो एक्सचेंज कराने आए हैं, जो कि लगभग 3 घंटे से खड़े हैं। तो फिर क्या बताएं कि कब तक उपलब्ध हो पाएंगे? टाइम का कोई डिटेल से नहीं बता रहा है, बोल रहा है सिर्फ आ रहा है, आ रहा है। क्या बताना चाहेंगे? अभी बाजार शाखा स्टेट बैंक में हैं आप, पुराने नोट जमे कर रहे हैं आप? हम तो निकासी कर रहे हैं। निकासी के लिए आए हो, तो क्या क्या मैंने बता रहे हैं? लंबा भीड़ है, भीड़ लंबा है। कहाँ से आई हैं आप? महासनगर से। तो किस काउंटर में लगे हुए आप? एक्सचेंज करने के लिए आए हैं। क्या क्या मैंने बता रहे हैं यहाँ के? बता ही नहीं रहे, कभी अगर 1/2 घंटे के बाद, कभी अगर 1 घंटे के बाद, हम लोग 3-4 घंटे से खड़े हैं यहाँ पर आकर के। बता रहे हैं 12 बजे से लोग लगे हैं और यहाँ व्यवस्थापक से नाखुश है लोग। हम लोग से लगे हैं और काफ़ी परेशानी है, लगन का भी समय है, कई कार है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं के समाधान देते आए हुए हैं। बोल रहे हैं जो आज नहीं बोल रहे हैं, जो आ रहा है पैसा आ रहा है, 10,000 रुपये से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। दर्शकों को देख रहे हैं कि आम जनता काफ़ी परेशान है, काउंटर खाली भी है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। लग सकता है क्या? नहीं लगे,
और इधर का कानून व्यवस्था भी तो सही होना चाहिए ना। में थे एक्सचेंज वाले में क्या बताना चाहेंगे तो तमाम लोग जो काफ़ी परेशान हैं इस संबंध में जी, आप जमा कर रहे हैं तो क्या बता रहे हैं लोगों को यहाँ पर व्यवस्थाओं के बारे में? तो आप देख रहे हैं दर्शकों, यहाँ के कर्मचारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। बाहर में तो थे ना हम लोग बैठे हुए गेट के बाहर में, पता नहीं है काउंटर पर कोई नहीं है, सबके खड़े किए हुआ व्यवस्थाएं तो तमाम लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। दर्शकों पैसे के लिए लोग बिल्कुल तरस गए हैं और ये 500 और हजार के नोट लेकर घूम रहे हैं और काउंटर पे कोई भी कर्मचारी नहीं है और तमाम लोगों का कई तरह के आरोप है। आइए यहाँ पर के मैनेजर साहब उनसे ही बात करते हैं। अभी तक तो दर्शकों देख रहे हैं जमा करना है और कई घंटों से ये नोट लेकर खड़े हैं और यहाँ के व्यवस्थापक की जो है लचर व्यवस्था के कारण यहाँ के स्थानीय लोग परेशान है, क्या बताना चाहेंगे? यहाँ 2 घंटे से है पैसा जमा नहीं हो रहा है, इतना भीड़ है उसमें सक नहीं सकते हैं, क्या करें, पैसा के मारे हैं इसलिए यहाँ पर है। अमरजीत, अमरजीत कुमार जी क्या परेशानी है? आप स्टेट बैंक बाजार शाखा में उपस्थित हैं, क्या मैंने यहाँ नए नोट लेने आए थे या पुराने नोट बदलने आए थे, क्या कर रहे हैं? पुराने नोट को बदलने आए थे। तो क्या बता रहे थे यहाँ पर व्यवस्था, क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि आपको 4000 से ज्यादा का निकासी नहीं हो सकता। गायत्री देवी, गायत्री देवी जी कितने घंटों से आप बाजार शाखा के मुख्य ब्रांच में आप लगे हुए हैं? 5 घंटा से है और प्रेशर का शरीर है, खड़ा हुआ नहीं जा रहा, पैसा मिल नहीं रहा है, तो पैसा लेना चक्कर आ रहा है। तो काफी मैंने क्या मैंने आवश्यकता मैंने क्या छोटे रकम लेना है? अभी तो आपको जान रहे हैं कि 2000 से 4000 और ज्यादा से ज्यादा 10000 रुपए का भुगतान। 10000 लेना है हमको, काम है घर में, दवाई का, कपड़ा का, खाने का पैसा का भी 1500 कोई नहीं ले रहा है, इसीलिए लेने के लिए आए हैं, 5-6 घंटे से खड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं। कैश काउंटर पर कोई है ही नहीं, कैश काउंटर खाली है, 11 बजे तो कैश काउंटर खाली है। कैश लाने गए, क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग इंतजार में हैं, ये लगभग 2 घंटा से इंतजार में है। शाखा मुख्य शाखा बाजार सदर बाजार भारतीय स्टेट बैंक की समस्या ये तमाम ग्राहक बता रहे थे, कई घंटों से खड़े हैं और यहाँ के जो व्यवस्थापक है उनसे ये तमाम ग्राहक नाखुश है और कई घंटों से बुजुर्ग से लेकर छोटे छोटे बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ आए हुए हैं इस आशा में कि जल्द से जल्द नोट एक्सचेंज हो ताकि उनके घर के जो भी कार है, खनिज पदार्थ है, छोटी छोटी वस्तुएं खरीद पाएंगे। लेकिन शायद इन सभी सवालों पर यहाँ पर के व्यवस्थापक इनके उम्मीदों को बिल्कुल पानी फेर देने वाली काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कि बिहार ग्रामीण बैंक में कोई खास भीड़ नहीं देखने को मिल रही है, यहाँ पर हम बात करेंगे। और ये सभी आप जो है अभी बिहार ग्रामीण बैंक पे हैं तो क्या बताना चाहेंगे, क्या समस्या है आपके आज? समस्या ये पैसा तो जमा लिया जा रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एक्सचेंज आपको यहाँ पे सुविधा नहीं दी गई, पैसा नहीं है इस वजह से। नहीं पैसा नहीं है, पहले हुआ था, पहले सुने कि हुआ है कि यहाँ पे एक्सचेंज की भी सुविधा नहीं अभी हो रही है। और भी लोग हैं उनसे बात करें जी, क्या नाम हुआ आपका? गोविंद कुमार। क्या बताना चाहेंगे यहाँ पे अभी जमा करने आए जी? तो क्या बता रहे हैं आप उनके मैनेजर? बोल रहे हैं हो जाएगा, जमा हो जाएगा, एक्सचेंज अभी नहीं होगा। दर्शकों देख रहे हैं कि आपको बिहार ग्रामीण बैंक में पुराने नोट जमे हो रहे हैं 1000 और 500 के और एक्सचेंज की सुविधा भी उपलब्ध इस बैंक में नहीं हुई। सिटी यूज़ के लिए मैं दीपक कुमार समस्तीपुर। अब ये पहुँच चुके हैं देना बैंक सदर बाजार समस्तीपुर, यहाँ भी जो है लोग कतारबद्ध लगे हुए हैं, पुराने नोट जमा किए जा रहे हैं और नए नोट का देना बैंक में वितरण नहीं हो पा रहा है। आइए हम जानते हैं तमाम यहाँ पर क्या मैंने यहाँ पुराने नोट जमा कर रहे हैं, क्या नया नोट मिल रहा है आपको? क्या बता रहे हैं? कल देंगे। आप देख रहे हैं कि देना बैंक में भी कोई खास भीड़ नहीं देखने को मिली, इसका मुख्य वजह है कि नए नोट का भुगतान नहीं हो पा रहा है और तमाम ग्राहक काफ़ी परेशान, कई तरह के घर के छोटे मोटे सभी कार रुके हुए हैं, काफ़ी परेशान हुए।
100% जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कह रही हूँ, एक सप्ताह पहले उनको नोटिफिकेशन कर देना चाहिए, क्योंकि एकाएक उन्होंने इस तरह से घोषणा कर दिया, जिसके परेशानी सबको हो गया, किसी के पास पैसा है तैयार नहीं, वो दे रहा है 500 रुपये के नोट चल रहे, जैसे मेरे साथी कठाई है, पीएम प्रधान मोदी जी के हम फैसले का बहुत समर्थन करते हैं, इससे कुछ लोगों को दिक्कत हुई है, बट आज कैश डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, फ्रेश कैश एजेंसी आया नहीं है अभी, अभी सभी जमा ही कर रहे हैं, पर जो भी ये फैसला है बहुत सही फैसला है, हम लोग यहाँ लाइन में लग रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, 10,000 तक से नीचे के लिए अलग काउंटर बना है, मैनेजर नहीं है अभी, अभी नहीं है मैनेजर, तो और कितना भी अमाउंट हो भले 1 रुपये भी आप जमा कीजिए, उसमें भी ये लोग पैन कार्ड मांग रहे हैं, पैन कार्ड आधार कार्ड, तो थोड़ी कठिनाई हो रही है अभी कस्टमर्स से, देख रहे हैं काफी जनताओं को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है, क्या बताना चाहेंगे इस तरह के फैसले? ठीक है, मिला जुला करके जितना हो रहा है उतना बंद पड़ रहा है, लोग कर रहे हैं, बैंक का भी व्यवस्था अपना ठीक है, लोग धड़फड़ा रहे हैं, धड़फड़ाने से थोड़े होगा, एक दिन में विधि व्यवस्था इनके पास भी जो नया करेंसी छप करके नहीं आया है, ये लोग भी क्या कर सकते हैं, बैंक स्टाफ पुराने नोट का भुगतान हुआ है, जिनका अकाउंट पे जमा है 10,000 रुपये विड्रॉ हो गया। दर्शकों देख रहे हैं कि इलाहाबाद बैंक में भी कतारबद्ध लोग अपने पुराने नोट जमा कर रहे हैं और पेमेंट भी हो रहे हैं, पुराने छोटे नोट, नया नोट यहाँ भी उपलब्ध नहीं है 2 घंटे से। अच्छा चलो, क्या नया नोट उपलब्ध है यहाँ? पुराने छोटे नोट दिए जा रहे हैं, 10 सिक्का भी दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जहांगीर। सिक्का का भी भुगतान हो रहा है और जितने भी ग्राहक हैं वो अपने पुराने 1,000 और 500 के नोट जमा कर रहे हैं देना बैठे, तो कहना है पुराने नोट जमा कर दिए? नहीं, जमा करने आए जी। तो क्या बताना चाहेंगे इस तरह के जो फैसले लिए गए उसके बारे में? लगा के मैं तीसरा बार आया हूँ, इसी तरह कतार देख देख के घर चला जाता था, अभी कुछ छोटा लाइन हुआ है तो लाइन नहीं लग गए हैं, 2 घंटा से लाइन में खड़े हैं। क्या बताना चाहेंगे, क्या मजबूरी है? पैसा जो है, पैसे बैंक में नहीं है, सिक्का दे रहा है, बदलना है पैसा। कितना का ये है पेमेंट आपको हुआ? 2,000 का पेमेंट हुआ है। मार्केट जी, सरवर कुमार जी हमारे बीच और इलाहाबाद के मैनेजर हैं। जी सर, क्या मैंने समस्याएं बहुत सारी लोगों ने बताया कि सिक्के का भुगतान किया जाए, पुराने छोटे नोटों का भुगतान किया जा रहा है और नए नोट अभी तक उपलब्ध नहीं है दे रहे, तो इलाहाबाद में भी बहुत तरह की समस्याएं लोगों ने बताया, तो क्या बताना चाहेंगे वैसे लोगों को, ऐसे ग्राहक को कैसे संतुष्ट किया जाए? जी नहीं, अभी हमारे पास है जो उपलब्ध हो हम लोग दे रहे हैं, किसी को भी ऐसा नहीं कि नाराज होके जाए, और जैसे उपलब्ध होगी नई करेंसी तो हम लोग देंगे सबको, संतुष्ट हैं लोग, थोड़ा तो रहता ही है कि जब तक नहीं मिलेगा उनको भुगतान तो थोड़ा सा रहता है, लेकिन जो भी लीगल टेंडर कैश हमारे पास उपलब्ध है वो हम लोग दे रहे हैं लोगों को। कितने का भुगतान सर कॉन्ट्रैक्ट से किया जा रहा है एक दिन में? वो तो अभी 10,000 जो लिमिट है उस तक का भी हुआ है लोगों को। एक कर्मचारी हूँ, उनका स्वागत ही होगा, अच्छा है, और जो भी सरकार का निर्णय, हम तो यहाँ सेवा में है तो हमें तो मानना है ही उसकी, हम जब तक भी हमारा टाइम है और ग्राहक रहता है हम लोग किसी को भी वापस नहीं भेजते, सबकी सेवा करने के बाद ही। जो सैटरडे संडे था उसमें बैंक खोल दिया, नॉर्मल वर्किंग होगी तो मुझे लगता है कोई परेशानी ग्राहकों को होगी नहीं, सब लोग तो ग्राहक जो आया है निर्देश उसी का पालन करेंगे, उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा फॉर्म है उसको यूज करें लोग बाकी।